मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ विकास स्टडी पॉइंट। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 ईटे मन के तथा अस्थियां। ये चैप्टर 1 है आपका, इसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ ये पूरा चैप्टर आपको समझाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बेस है, बाकी हर एक टॉपिक वाइज सारी चीजें आपको विकास स्टडी पॉइंट पे मिल जाएगी, वो भी ऐप पे, यानी कि विकास स्टडी पॉइंट का ऐप बनाया गया है, वहां पे आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दी गई है। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में थोड़ी सी दिक्कतें होती है, बच्चे ढूंढ नहीं पाते हैं, इसी वजह से ऐप बनाया गया है ताकि वहां पे बच्चों को सारा चीज मिल पाए, ठीक है। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अब जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अब इसकी नोट्स की डिमांड करेंगे, तो नोट्स की डिमांड अगर आप करते हो तो आप सिंपल से चले जाओ विकास स्टडी पॉइंट के ऐप पे, वहां पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिला है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सेपरेट वाइज एक एक चैप्टर के नोट्स चाहिए आपको तो उसके लिए आप www.vikasstudypoint.com पे जाके सर्च कर सकते हैं, जो आपको इजीली मिल जाएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर का नाम हड़प्पा ईटे मनके तथा अस्थियां क्यों रखा गया, है ना। ईटे मनके तथा अस्थियां क्यों रखा गया इस चैप्टर का, सबसे पहले इस चीज को हम क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो लमसम 5000 ईसा पूर्व की सभ्यता है, है ना। 5000 ईसा पूर्व की सभ्यता है, मतलब 5000 ईसा पूर्व इन द सेंस की 5000 ईसा पूर्व ना बोलो इसको, इसे ये बोल सकते हो आप कि आज से 5000 पहले की सभ्यता है ना। 5000 ईसा पूर्व बोल देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ये बोल लीजिए कि आज से 5000 साल पहले की ये सभ्यता है। अब 5000 साल पहले की ये जो सभ्यता है तो उस टाइम पे व्यक्ति रहे होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन आज के टाइम पे कोई व्यक्ति हड़प्पा का जिंदा नहीं है जो हमें बताएगा हड़प्पा के बारे में, तो हमें उसके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी। जाहिर सी बात है, वहाँ की चीजों को देखते हुए, तो वहाँ पे ईटे मिले तो इस वजह से ईटों से हमें जानकारी प्राप्त हुई, वहाँ पे मनके मिले, मनके मतलब होता है कि मोतियों के एक तरीके से माला, जो कि हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं, वो चीज मिला उससे हमें प्राप्त होता है जानकारी। अस्थियां मिली, अब जाहिर सी बात है जो जानवर मर गए होंगे, जो इंसान मर गए होंगे उसकी अस्थियां वहीं पे होगी, तो उनसे भी जानकारी मिली कि कैसे किस हिसाब से लोग रहा करते थे, ठीक है। तो इस वजह से इस चैप्टर का नाम रखा गया ईटे मनके तथा अस्थियां, ताकि हमें इन्हीं चीजों के बारे, इन्हीं सब चीजों से जानकारी मिली है, इस वजह से इस चैप्टर का नाम ईटे मनके तथा अस्थियां रखा गया है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी, एक नंबर के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो इसकी खोज 1921 ईस्वी में की गई थी, और इसको खोजा किसने था, दयाराम साहनी ने खोजा था, ठीक है, साहनी लिख दीजिए, साहनी, ठीक है। और इसके अलावा मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, कब हुई थी पहले, 1922 में हुई थी, और किसने की थी, राखल दास बनर्जी ने इनकी खोज की थी। तो अब आई होप सो क्लियर होगा कि हड़प्पा की खोज कब की गई 1921 में, मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई 1922 में, हड़प्पा को किसने खोजा, दयाराम साहनी ने खोजा था, मोहनजोदड़ो को किसने खोजा था, राखलदास बनर्जी ने खोजा था। अब बात यहाँ पे आती है, क्वेश्चन ने पूछता कि किसके नेतृत्व में खोजा गया था, यानी कि इसका लीडर कौन था। तो नेतृत्व अगर मैं बात करूँ तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने किया था। अच्छा, अब खोज तो हो गई, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जॉन मार्शल ने इस हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के विषय में जानकारी विश्व के सामने कब रखी, तो वो रखी थी 1924 में, यानी कि विश्व के सामने जो प्रस्तुत किए थे ना, प्रस्तुत वो कब किए थे, 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल ने किया था। क्लियर हो गया, कब खोज हुई, किसने की, नेतृत्व किसका था, प्रस्तुत कब हुआ। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अगला लिखा है यहाँ पे, अच्छा अगला लिखा नहीं बल्कि ये देख लीजिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। हिस्ट्री यानी कि इतिहास आपकी तीन बुकें हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है, आप इसमें आपको चार चैप्टर देखने को मिलेंगे, इसमें 5 चैप्टर और इसमें 6 चैप्टर। तो
तो इसमें चार तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें चार पढ़ना है और इसमें चार पढ़ना है, यानी कि दो चैप्टर इसमें से डिलीट हुए हैं, एक चैप्टर इसमें से डिलीट हुआ है और चार तो यही है। टोटल अगर कहा जाए तो 12 चैप्टरों को आपको पढ़ना है। 80 नंबर का पेपर फाइनल पेपर होगा, जो कि जब भी हो, चाहे वो आपका फेब में हो जाए या फिर मार्च में हो जाए। इसके बीच आपको टर्म वन का पेपर भी होगा, लेकिन ये बात याद रखिएगा टर्म वन के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, एज ए प्रैक्टिस सेट होता है आपका, लेकिन आपको इसमें मेहनत आपको फुल करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि आपको स्कूल से जो 20 नंबर मिलेगा ना, वो टीचर किस बिहाव पे देगा? इसी सब टर्मों के बिहाव पे देगा, जो भी आपके स्कूल में टेस्ट होंगे, जो भी पेपर होंगे, ठीक है? इस वजह से आपको हर जगह मेहनत करनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आगे समझते हैं। यहाँ पे जो पहली आपकी बुक है, इसमें चार चैप्टर है। पहला है ईटे मन के तथा अस्थि हड़प्पा के बारे में, दूसरा है राजा किसान और नगर, तीसरा है बंधुत्व जाति और वर्ग, चौथा है विचारक विश्वास और इमारतें। यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। सिलेबस वाइज वीडियो आपका ऑलरेडी अपलोड है विकास स्टडी पॉइंट पे। ये चैप्टर सारे अपलोडेड हैं, आप जाके इजीली देख सकते हो। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो धीरे धीरे एक एक करके आएगी, हर रोज रात 9 बजे आपकी वीडियो आएगी, ठीक है? हाँ, कभी काल ऐसा हो जाता है कि एक दिन गैप हो जाता है, लेकिन हर रोज रात 9 बजे से आती ही आती है, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं ईटे मन के अस्थियां में कि आखिर यह हड़प्पा है कहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो, ये जो भारत का मैप है, ऐसे ऐसे करके गुजरात के साथ होते 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 नेक्स्ट ऐसे ऐसे करते बढ़ते 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 यहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो जो हड़प्पा आपका पड़ेगा, ये पड़ेगा पाकिस्तान में, ये है मेहरगढ़, और नीचे अगर बात करते हैं तो ये है मोहनजोदारो, ठीक है? नीचे मोहनजोदारो है, इधर हड़प्पा है, इधर मेहरगढ़ है। तो अब जब हम मैप वाले क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम सारी चीज़ को देख लेंगे। अभी आप इतना समझिए कि हड़प्पा इधर है, मोहनजोदड़ो इधर है। तो आप देख सकते हो कि एक विशाल क्षेत्र में ये दोनों फैले हुए हैं, ठीक है ना? तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे देखने वाले हैं। अभी बस इतना समझिए कि जो हड़प्पा है वो है पाकिस्तान में। नेक्स्ट बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत, यानी कि हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक्चुअल में पता कहाँ से लगा, यानी किन चीज़ों की वजह से हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है? तो अभी हम पढ़ने वाले हैं जानकारी के स्रोत, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो निर्धारित समय है वो कब का है। निर्धारित समय का मतलब है कि ये कब की सभ्यता है। तो ये सभ्यता है 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर, ठीक है, 1900 ईस्वी पूर्व की सभ्यता है। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो डेट चलता है वो सीरियल वाइज चलता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा लिखा हुआ है, 2600 के बाद 2700 आता है, ना कि 1900 आता है। तो यहाँ पे डेट तो उल्टा है, लेकिन यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात क्या है कि ईस्वी पूर्व लिखा है। पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक है ना? क्योंकि आपको पता है, जैसे मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उसको हम 0 मान लेते हैं, तो ईसा मसीह के जन्म के बाद जितने भी घटनाएं, मतलब जितना भी समय गया, उसको हम साल वाइज कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन वो चीज जो ईसा मसीह के जन्म से पहले हुई है, उनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसको भी हम नंबर वाइज में कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सीधा क्या लगा देंगे? पूर्व लगा देंगे। आगे हो गया तो इस भी तो लगाते ही हैं, पीछे भी हो गया तो इस भी तो हम लगाएंगे ही, लेकिन इस भी के साथ साथ हम क्या लगाएंगे? पूर्व लगाते हैं। जैसे आप इंची टेप में देखते हो ना कि 0 के बाद की चीज़ों को +1 +2 करके देखते हैं, और 0 के पहले वाली चीज़ों को -1 -2 करके देखते हैं। तो ऐसे यहाँ माइनस तो हम लगा नहीं सकते, तो माइनस की जगह पर हम क्या लगाते हैं? पूर्व लगाते हैं, ठीक है? तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अभी क्या चल रहा है? 2022 चल रहा है, और ये कब की सभ्यता? 2026 के, तो ये 0 से पहले 2026, तो 2026 उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 2264, यानी कि 4622 ईसा पूर्व पहले की सभ्यता है। यानी कि लमसम अगर माने तो अप्रोक्स, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 5000 साल पहले की सभ्यता है, ठीक है ना? चीजें समझ में आ रही है। और जब यहाँ की खुदाई की गई थी हड़प्पा की, तो इस प्रकार की चीजें मिली थी, यानी कि आप देख सकते हो कि ईंटों का खासकर प्रयोग किया गया है। और इसको देख के आप ये समझ सकते हो कि ये 5000 पहले की सभ्यता है, 5000 साल पहले की सभ्यता है, लेकिन आज भी इसके स्तंभ ऐसे मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखे हुए तो आप ये समझ सकते हो कि किस हिसाब से, किस बेहतरीन पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता को बनाया गया था, जो कि 5000 साल के बाद भी
इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आज कल के मकान जो बनते हैं 10 साल बाद तो खंडहर लगने लगते हैं, तो आप देख सकते हो वहाँ की जो मकान है वो 5000 साल के बाद भी इस तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं जानकारी के स्रोत। तो जानकारी के स्रोत पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज आपको दिखा देता हूँ, फटाक से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब जानकारी, जैसा कि आपको पता है कि हमें जानकारी कैसे प्राप्त होगी, तो खुदाई करने के बाद इस प्रकार की चीजें वहां पे मिली है। ये तो मैं कम चीजें आपको दिखा रहा हूँ, इससे भी अधिक चीजें वहां पे आपको देखने को मिली है। तो आप देखिए, ये एक मूर्ति देख रहे हैं, इस मूर्ति को आप देख के एक आइडिया लगा सकते हैं कि आखिर हो ना हो वहां पे हर एक व्यक्ति तो मूर्ति बनाता नहीं होगा, तो इस वजह से किसी ना किसी राजा की ये मूर्ति होगी। तो जाहिर सी बात है, ये आप देख सकते हो तांबे और कांसे के बर्तन है, ठीक है, ये हांडिया है, साथ ही साथ आप देख सकते हो कि एक प्रकार की मूर्ति है। और ये क्या उस टाइम की रानी की मूर्ति है या फिर किसी देवी देवता की मूर्ति है, सॉरी देवी की मूर्ति है, तो एक आइडिया लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जो पुरातत्वविद होते हैं इन वस्तुओं को देखकर एक आइडिया लगाते हैं। और ये देखिए, ये मुद्रांकन का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से मुहर स्टैंप जिसको कहते हैं। अब इस तरीके के स्टैंप आप वहां पे देखने को मिले हैं कि स्टैंप मारने पे ऐसे छाप होता है। ठीक है, तो इन चीजों को देख के आइडिया लगाते हैं। ये एक प्रकार का औजार है, ये मनके हैं, देख सकते हो मालाएं हैं। ठीक है, पहले लकड़ियों की भी बनती थी, काफी चीजों की बनती थी। ये तांबे का दर्पण है, तांबे का दर्पण भी मिला है, शिवलिंग मिला है, ऐसे ऐसे शिवलिंग मिले हैं जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, एक मातृदेवी की मूर्ति मिली हुई है, ये हथियार मिले हुए हैं खासकर कृषि में उपयोग किए हुए, ये सील बट्टा जिसको बोलते हैं वो मिला हुआ है। ठीक है, वहाँ पे दो टाइप्स के सील बट्टे मिले हैं, एक वो जिसमें दवाई होती है, दवाई मतलब दवाई क्या बोलते हैं पीसी जाती है, ठीक है, बारीक की जाती है, क्योंकि आपको पता है डॉक्टरों के पास भी होता है ना एक सील बट्टा छोटा सा होता है जो बच्चों की दवाई एकदम है ना कूट कूट के दे देते हैं ताकि उसका खुराक बना के बच्चे इजीली खा पाए, है ना। और ऐसे सील बट्टे में मसाले पीसे जाते हैं, तो ये हो गया, ये एक मर्तबान है जो सुराही की तरह दिखाई दे रहा है। तो इन चीजों को देखकर ही आइडिया लगाया जाता है, और ऐसा कर करके हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता लगाई गई है चीजें। ठीक है, इसके अलावा वहां पे जो ईंटें मिली थी ईंटों को देखकर पता लगाया गया है, ये वहां का मैप है, मैपों को देख कर कि भाई इस तरीके से विकसित थी सिटी वहां की, ठीक है, शहर वहां के इस तरीके से विकसित था, है ना। तो इन तरीकों से है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, जानकारी के स्रोत क्या है, तो पहला क्या, खुदाई में मिली इमारतें। एक तो पहली बात, तो इमारतों से हमें पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में इस प्रकार की इमारतें थी। दूसरा है पूरा वस्तुएं, पूरा कम होता है पुरानी वस्तुओं का मतलब, वस्तु यानी कि पुरानी वस्तुएं मिली है जिसकी वजह से हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ भाई हड़प्पा में इन वस्तुओं का इस्तेमाल होता होगा। पूरा स्थल यानी कि पुराने स्थल, कौन कौन से जगह पे हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ, उन चीजों के बारे में पता लगाते हैं। मृद भांड, मृद मतलब होता है मिट्टी, मृद मतलब क्या होता है मिट्टी, ठीक है, और भांड मतलब होता है बर्तन, यानी कि मिट्टी के बर्तनों को मृदभांड कहते हैं। तो मृदभांड एक होता है सिंपल, है ना, घड़ा आप देखते हो सिंपल होता है, लेकिन कुछ घड़े ऐसे होते हैं जिस पर डिजाइनिंग की गई होती है, है ना। तो उन चीजों से अगर डिजाइनिंग की गई है तो उससे हम ये पता लगाएंगे हाँ भाई हड़प्पा सभ्यता एक ऐसा जगह था जहाँ के लोग इतने विकसित थे कि डिजाइन भी करते थे, है ना। औजारों से पता लगाएंगे कि भाई ये कौन कौन से औजार है, किस हिसाब से यूज किए जाते थे। आभूषणों से हम पता लगाएंगे कौन कौन से आभूषण पहनते थे तथा उनकी क्वालिटी क्या थी, जैसे आप देखते हो सोना का पहनते थे, चांदी का पहनते थे, तांबे का पहनते थे, किस चीज का पहनते थे, उन सब चीजों को देखना। ठीक है, तो इन वस्तुओं के हिसाब से हड़प्पा सभ्यता का एक आइडिया लगाया। ठीक है, आगे मूर्तियों से हमें पता लगता है कि मूर्तियां आखिर है किसकी, वहां की राजा की है, वहां की रानी की है, फिर देवी देवता की बनी हुई है, इन सभी चीजों का आइडिया लगाया जाता है। मुहरे, जैसा कि मैंने आपको स्टैंप दिखाई, देखिए स्टैंप है एक तरीके से, ठीक है, वहां का स्टैंप है जिसमें एक बैल बना हुआ है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से चीजें बनाई गई हैं, चीजें लिखी गई हैं जो कि हमें समझ में नहीं आ रही है। हड़प्पा सभ्यता में चित्रात्मक लिपि है, ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हैं। आगे बाट समझते ही वो आपके सील बाट कर रहा हूं जो बाट होता है, तराजू बाट समझते हो ना, तराजू और बाट 1 किलो 2 किलो 3 किलो का होता है ना, तो वो भी चीज वहां पे मिली है। तो आप उससे आइडिया ये लगा सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता में हो ना हो जो व्यापार हुआ करता था वो तौल के हुआ करता था, यानी कि 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो 100 किलो इस हिसाब से होता था, ठीक है। और वहां पे पक्की ईंटें मिली है, तो जाहिर सी बात है ईंट को पहले सांचे में डाल के बनाया जाता होगा, फिर भट्टी में जाके पका दिया जाता होगा, तो इस हिसाब से चीजें मिली हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम जानकारी इस हिसाब से समझ सकते हैं। जितनी भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं
तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि विकास स्टडी पॉइंट ही बनाया गया है आप लोग के लिए कि आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। काफ़ी अच्छे बच्चे थे 11th क्लास में, बहुत अच्छा स्कोर किए हैं, उन बच्चों को मैंने अनाउंस भी किया है और ये वादा भी किया है कि 12th क्लास में अगर अच्छे नंबर आते हैं तो उनको मेरी तरफ से सरप्राइज भी है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ देखिए, यहाँ पर मिस्टेक थोड़ी सी क्या हो गई है, मिस्टेक ये हुई कि मैंने क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं किया, तो क्वेश्चन नंबर पर मत जाइएगा, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन पर जाइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि देखिए कंप्यूटराइज सारी चीज़ होती है, सारी चीज़ लिखना, ये सारी चीज़ करना है ना, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है ऊपर नीचे, लेकिन आपको सारी चीज़ें गाइड की कर दी जाती है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के निर्वाह के तरीके, निर्वाह का मतलब जीवन यापन करने के तरीके, ठीक है, तो इनकी जानकारी हमें क्या मिलती है, पहली चीज़ तो मवेशी, कौन कौन से मवेशी थे, तो भेड़, बकरी, भैंस, जंगली सुअर, हिरण, घड़ियाल इत्यादि वहाँ पे थे। भोजनों की बात करें तो अनाज का इस्तेमाल करते थे, और साथ ही साथ अनाज में भी अगर हम देखेंगे तो गेहूँ, जौ, दाल, चना, तिल, बाजरा इत्यादि चीज़ें होती थी। इसके अलावा भोजन में मछलियों का उपभोग करते थे, खाते थे, मांस को खाते थे, फल को खाते थे, इत्यादि चीज़ें खाते थे। वस्त्रों का अगर बात किया तो किया जाए तो सूती वस्त्रों का इस्तेमाल करते थे। धार्मिक जीवन की अगर बात किया है तो शिव, पीपल, पशु, ठीक है, सूर्य, जल, मातृदेवी, इन सभी की पूजा करते हैं। शिव तो आप समझते ही हो, है ना, हर जगह पे ही है, और जाहिर सी बात है कि आप देखते हो हर कड़ कड़ में है, तो इस वजह से शिवलिंग बना दिया जाता है कि एक पत्थर को रख के पूज दिया जाता है, तो शिव। पीपल यानी कि नेचुरल चीज है, ठीक है, पशु यानी कि जैसे गौ माता हो गई, ठीक है, सूर्य जो कि नेचुरल चीजें हैं, जल जो कि नेचुरल चीजें हैं, मातृदेवी यानी कि देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। यातायात की अगर बात किया जाए तो बैलगाड़ी हो गया और नाव हो गया, जो कि सुलभ भी होता था, सस्ता भी होता था, ठीक है ना, बैलगाड़ी में पेट्रोल तो लगेगा नहीं है, ठीक है, और नाव में भी तो जल्दी पेट्रोल लगता नहीं है, उसमें जो भी एक्टिविटीज होती है, इसमें बैल करता है, इसमें क्या है, इंसान खुद करता है ना, नाव को चलाता है, इत्यादि चीजें हैं। शिल्पकारी की अगर मैं बात करूं तो मिट्टी के बर्तन हो गए, आभूषण हो गए, मनके हो गए, हथियार हो गए, खेती के उपकरण हो गए, तो ये सारी चीज शिल्पकारी में आ जाता है, इस हिसाब से वहां पर डिजाइनिंग उपकरण इत्यादि चीजें बनाई जाती थी। समझ में आ गया, नेक्स्ट बात करें, चलिए आगे हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या हैं, यानी कि क्या क्या चीज़ अच्छाइयाँ हैं, है ना, क्या क्या चीज़ मतलब वहाँ पे मिली हुई है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता का मतलब होता है कि हड़प्पा सभ्यता को जब बचाया गया तो एक नगर के माध्यम से बचाया गया। जैसे मान लो कि एक प्रकार का ये लैंड है, लैंड का मतलब एक तरीके से मान लो खेत है, अब खेत में अगर हमें नगर बसाना है तो सबसे पहले हमें क्या काटना पड़ेगा, रोड काटने पड़ेंगे, रोड, ठीक है, जैसे प्लॉट देख तो कटते हैं ना, तो पहले सबसे पहले रोड बनाया जाता है। अच्छा, रोड बन गया, अब ये मान लो ये रोड बन गया, अब ये हो गया प्लॉट, अब प्लॉटों को काटा जाता है ना, इस तरीके से चीजें कही जाती है। तो अब देखो, नगर और गांव में यही तो अंतर होता है, क्योंकि गांव में क्या होता है, सड़कें सीधी नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी गली कहीं से भी निकली जा रही है, लेकिन नगरों की अगर बात किया जाए तो वहां पे जल्दी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, सीधी सीधी बनाई जाती है। देखो ये सड़क ना सीधी जा रही है, ये सड़क सीधी जा रही है, और एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है, समकोण पे काट रही है, तो ये चीज़ है, इसी को कहते हैं नगरीय सभ्यता, यानी कि जो भी चीज़ बसावट की गई है एक तरीके से नगरों के माध्यम से की गई है, कोई भी चीज़ बनाया गया तो इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से बनाया गया कि हमारे नालियाँ सीधी जाएगी तो हमारा रोड इस तरीके से आएगा, ठीक है, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी सकरी गलियां नहीं होंगी, सारे चीज़ बनाया जाएगा, एक पैमाने के अनुसार बनाया गया, एक मेजरमेंट के अनुसार बनाया गया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकासी प्रणाली है, बहुत ही लाजवाब जल निकासी प्रणाली है। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि 5000 साल पहले की यह सभ्यता है, और वहां पे जो जल निकासी प्रणाली है काफी बेहतरीन है, जैसा कि आप समझ सकते हो, जैसे आज देख तो आज ये रोड बनता है ना, तो रोड के जस्ट बगल बगल में क्या बनाई जाती है, नालियां बनाई जाती है, तो ये जो नालियां हैं और इसको जो ढक के रखा जाता है, आज भी अगर शहरों में अगर घूम के आप देखोगे तो कई जगह पे ना ढकी हुई नहीं है, ढकी हुई नालियां नहीं है, गंदगी ऐसी फैली हुई है, लेकिन ये 5000 साल पहले की जो सभ्यता है वहां पे नालियों को ढक कर रखा जाता था ताकि गंदगी ना हो, और नालियों को इस हिसाब से बनाया जाता था ताकि घर का जो वेस्टेज पानी है वो नालियों के माध्यम से आगे चल के बड़े नाले में मिल जाए, और इस तरीके से जो गंदा पानी है नगरों से बाहर निकल जाए। ये 5000 साल पहले की सभ्यता है, इस वजह से ये सबसे बेहतरीन सभ्यता है। समझ में आ रही चीजें, क्योंकि आज देखिए, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आज हमें पता है कि मशीन भी काम करते हैं, लेकिन पहले तो मशीन था नहीं ना, ये 5000 साल पहले की सभ्यता है, इस वजह से
हमें इस चीज को मानना चाहिए। इसी वजह से शायद हड़प्पा सभ्यता को हमारी बुक्सों में डाल दिया गया ताकि हम पढ़ें इसके बारे में कि हड़प्पा सभ्यता कैसा था। तो इस वजह से वहाँ पे जल निकासी प्रणाली काफी अद्भुत थी। चित्रात्मक लिपि, ये आप देख सकते हो लिपि क्या है, चित्रात्मक, चित्र ही आपको समझ में आया। जैसे ये देखो हथौड़े की जैसा लग रहा है, ये देखो एक तरीके से आप क्या बोल सकते हो, बैलगाड़ी का एक पहिया लग रहा है, ये पान के पत्ते की तरह लग रहा है, ठीक है। ये देखो इस हिसाब से चीजें बनाई गई, चित्रात्मक लिपि है, ठीक है। और आज के टाइम पे हम देखिए ये जो लिपि यूज करें, क्या चित्र बना हुआ है, क्या नहीं बना हुआ है, लेकिन उस टाइम पे जो लिपि इस्तेमाल की जाती थी वो चित्रात्मक लिपि थी। लिपि एक प्रकार की क्या होती है, संकेत होती है। क्या होती है, संकेत। आज मैंने ये सारी चीज लिखी हुई है, आपको इजिली समझ में आ जा रही है। ऐसे ही ये भी चीज जो लिखी हुई है, हो सकता है कि उस टाइम के लोगों को समझ में आती होगी और आज के टाइम के लोग जो है अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। और इसी को बोलते हैं रहस्यमय लिपि, रहस्यमय लिपि, क्योंकि इन चीजों को आज तक पढ़ा नहीं गया है। क्योंकि आप देखो इन चीजों को से क्या आइडिया लगा सकते हो, कुछ आइडिया नहीं लगा सकते हो। तो इसी वजह से अब ये बातें जो लिखी गई हैं ये रहस्य बन के रह गई है, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, रहस्यमय, ठीक है, रहस्यमय लिपि कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई मृदभांड। अच्छा, मृदभांड कला, मिट्टी के बर्तन को बनाने की जो कला होती थी उसको मृदभांड कला कहते थे। उस पर जो नक्काशी बढ़िया से की जाती थी, वो डिजाइनिंग जो की जाती थी, वो माप तौल पद्धति, वही मैं तराजू बाट वाली चीजें आपको बताया कि कोई भी चीज सामान देते तो तौल के देते थे, क्योंकि तराजू बाट मिलने का मतलब ही ये हुआ ना, व्यापार प्रणाली हुआ करती थी, यानी कि एक शहर से दूसरे जगह पर व्यापार हुआ करता था, तो ये इसके भी साक्ष्य मिले हैं। सड़कों का निर्माण होता था ग्रिड पद्धति के अनुसार होता था। ग्रिड पद्धति मतलब एक वही तरीका समझो कि जो एक दूसरे को समकोण पे काटती है, और सम जहां पे इस प्रकार के चौराहा टाइप में चीजें बनती है उसी को ग्रिड पद्धति बोलते हैं, ठीक है। समाधान प्रणाली, समाधान प्रणाली क्या होता है, सब मतलब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, और मैंने आप लोग को आई थिंक मीनिंग भी करा रखा है, उसमें आपको बताया था मैं समाधान का मतलब क्या होता है। सब मतलब होता है लास्ट, जैसा आपने सुना होगा, कहते हो गए आप भी कि देखो वहां पे वो सब पड़ा है, सब का मतलब होता है लास्ट, ठीक है। और धान का मतलब होता है जहाँ पे उसको ठिकाना लगाया जाए, यानी कि लाशों को कहाँ ठिकाना लगाया जाता है, जाहिर सी बात है लाशों को हम कब्रिस्तान में ठिकाना लगाते हैं। अच्छा, तो कब्रिस्तान में जाकर चीजों को देखा गया तो वहां पे पता लगता है कि एक डेड बॉडी मिली है, और डेड बॉडी के साथ साथ आभूषण मिले हैं, मनके मिले हैं, बाट मिले हैं, ये सारा चीज मिला है कब्रिस्तान में। तो अब देखिए इसका मैं साक्ष्य आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक तरीके से मैं देखिए यहाँ पे देखिए कब्रों को जब खोदा गया तो इस तरीके से बॉडी मिल गई, और बॉडी के साथ साथ ये चीजें वहां पे मिली हुई है, ठीक है। अब अन्य कब्रे को खोजा गया तो उसमें कुछ कीमती वस्तुएं भी मिली है, कुछ जगह पे नॉर्मल वस्तुएं भी मिली है। अच्छा, इससे आप ये भी पता लगा सकते हो कि समाज में कुछ लोग अमीर थे तो अमीर वाली वस्तुएं डालते थे, कुछ लोग गरीब थे तो नॉर्मल चीजें डालते थे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझिए, ये देखिए नगरी सभ्यता, ये नगरी सभ्यता, यहाँ पे देखिए देख के ही आप पता लगा सकते हो कि तरीके से यहाँ पे चीजें किस हिसाब से हैं। देख के आप गांव तो बोल नहीं सकते, शहरों के हिसाब से बसाई गई है। और ये जो नालियों की मैं बात कर रहा हूँ, नाली का निर्माण, नालों का निर्माण, तो इस तरह से नाले बनाए गए थे, ठीक है। तो इस हिसाब से चीजें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हड़प्पा लिपि की विशेषताएं क्या हैं। जी, विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो ये चित्रात्मक लिपि है जैसा कि आप देख सकते हो। दूसरा, दाई से बाई ओर लिखी जाती है, दाई यानी कि दाया मेरा कौन सा है। अगर आप जो लिखते हो तो ये मान लीजिए आपका नोटबुक है, और नोटबुक में आप जो भी चीजें लिखते हो तो यहाँ से यहाँ तक लिखते हो, है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हो यहाँ तक ले जाते हो, यहाँ से स्टार्ट करते हो यहाँ तक ले जाते हो। लेकिन ये जो चीज है दाई से बाई ओर, दाया हमारा ये है, तो ये सब उल्टा लिखते हैं, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे या यहाँ से स्टार्ट करेंगे या यहाँ से स्टार्ट करेंगे या, तो ये इस हिसाब से चीजें लिखी जाती हैं। तो दाई से बाई ओर लिखना। और चिन्हों की संख्या 375 से लेकर 400, 375 से लेकर 400 चिन्ह थे। जैसे कि आप देखते हो कि जो हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश में आप देखते हो 26 वर्ड होते हैं, तो ऐसे ही वहाँ पे जो वर्डों की संख्या मिली है, जो चिन्हों की संख्या मिली है 375 से 400 के बीच में मिली है, और ये आज तक पढ़ी नहीं गई, इस वजह से इसको रहस्यमय लिपि बोलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन कीजिए। सामाजिक विभिन्नता का मतलब क्या होता है, समाज में रहने वाले लोग कैसे थे, भिन्न थे क्या। भिन्न का मतलब क्या होता है कि कोई अमीर कोई गरीब, भिन्नता का मतलब यही होता है ना, कोई अमीर कोई गरीब, तो भिन्न का मतलब यही होता है। तो अब देखिए हम ये कैसे पता लगाएंगे, तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि कब्रिस्तान में जो एक हमने कब्र को खोल के देखा तो उसमें हमने देखा कि हड्डी मिली है और साथ ही साथ ये वस्तुएं मिली है। अच्छा, जिन कब्रों में अच्छी वस्तुएं मिली है तो जाहिर सी बात हो सकता है वो अमीर हो, जिन कब्रों में नॉर्मल वस्तुएं मिली है वो हो सकता है कि भाई गरीब हो। तो इस वजह से आप सामाजिक विभिन्नता पता लगा सकते हो ना, तो चलो बहुत बढ़िया चीज है। अच्छा, दूसरी चीज, तो ये तो हो गया हमारे समाधान।
अच्छा दूसरा चीज होता है विलास की वस्तु। विलास की वस्तु एक होती है जो कीमती वस्तु होती है। अच्छा एक बात बताइए आप कि क्या सोना सबके घर में है क्या? तो आपने देखा होगा, आप कहोगे हाँ सर सोना सबके घर में है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो बिल्कुल ही गरीब है, क्या उसके घर में सोना है क्या? नहीं है उसके घर में सोना नहीं है। क्या आप बोलो हीरे सबके घर में है क्या? तो नहीं, हीरे सिर्फ अमीर लोगों के घर में है। तो ये विलास की वस्तुएं वो होती हैं जो होती है दुर्लभ। क्या होती है? दुर्लभ, जो इजीली नहीं मिलती है। और दूसरी बात होती है जो कीमती होती है, कीमती, ठीक है, कीमती होती है। वो वस्तुएं जो कीमती होती है, वो वस्तुएं जो दुर्लभ होती है, वही क्या होती है? विलास की वस्तुएं होती है। इन चीजों की वजह से हम पता लगा पाते हैं कि सामाजिक विभिन्नता है कि नहीं है। तो समाधान को अगर हम देखते हैं तो कभी कभी समाधान के गर्त बनावट एक दूसरे से अलग मिलते हैं, यानी कि भिन्न टाइप में मिलते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, अमीर अपने हिसाब से खुदवाता होगा, गरीब अपने हिसाब से खुदवाता होगा। आगे, कब्रों में मृदभांड एवं आभूषण मिले हैं, जैसा कि हमने बात किया मृदभांड एवं आभूषण मिले हैं। कहीं कहीं ताबे के दर्पण भी मिले हैं। ताबे के दर्पण का मतलब क्या होता है? इस हिसाब से चीजें बनाई गई हैं वहां पे, इस हिसाब से ये दर्पण है। दर्पण का मतलब शीशा, आज देखते हो शीशा देखते हैं, ऐसे वहां पे ताबे का दर्पण भी मिला हुआ है, जिससे हमें सामाजिक विभिन्नता का पता लगता है। विलास की वस्तुएं, तो अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी वस्तुएं होती है पुरातात्विक विशेष तौर पर उपयोगी वस्तु एवं विलास की वस्तुओं को वर्गीकृत किया है। उपयोगी वस्तुएं वे वस्तुएं जो कि रोजमर्रा के जीवन में उपलब्ध मतलब हो जा रही है। जैसे आप देखते हो कि कुछ वस्तुएं होती है जो हर घर में मिलती है, जैसे चक्कू हो गया, जैसे तवा हो गया, जैसे गैस, मतलब जो भी उस तरीके की जो चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें हर जगह पे मिलती हैं। लेकिन कुछ विलास की वस्तुएं हैं जो कीमती है, जो हर जगह पे हमें नहीं मिलती हैं। और यही दूसरा सबसे बड़ा विधि है जिसकी वजह से हम सामाजिक विभिन्नता का पता लगा सकते हैं। रोजमर्रा की उपयोगी वस्तुएं जैसे चकिया हो गया, सुई मृदभांड हो गया, सुइयां, झावा इत्यादि चीजें हैं। अच्छा दुर्लभ वस्तुएं, मूल्यवान वस्तुएं क्या होती है? सोना, चांदी, फयांस, है ना, और ये सारे चीज इसमें सम्मिलित होता है। कुछ ऐसे पत्थर भी होते हैं जो कीमती होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने नौ ग्रह सुने हो ना, नौ ग्रह और ग्रहों को शांत करने के लिए अंगूठी पहनते हैं लोग, तो उसमें भी खासकर पत्थरों की ज्यादा भूमिका होती है, कौन कौन से पत्थर का इस्तेमाल करते हैं सब, ठीक है। तो इस हिसाब से चीजें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला लिखा है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागृह की व्याख्या कीजिए, यानी कि विशाल स्नानागृह है जो, उसकी व्याख्या कीजिए, उसके बारे में हम बताते हैं। तो देखिए मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार। तो ये जो स्नानागार मिला है, काफी लंबा चौड़ा स्नानागार मिला है, ठीक है। और यहाँ पे एक तालाब भी मिला है, तालाब ये देखिए, ये अपना तालाब है, ठीक है। यहाँ पे आने जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई हैं, दो तरफ से सीढ़ियां भी बनाई गई हैं। ये गलियारे हैं, गलियारे, ठीक है। जिसको इस पे खड़ा होना, इस पे खड़े हो जाओ, नीचे जाना नीचे चले जाओ, यहाँ खड़े होना खड़े हो जाओ, इस पे जाना इस पे, इस तरीके से चीजें बनाई गई हैं। तो अब देखिए क्या लिखा है, मोहनजोदड़ो में सबसे अधिक आकर्षक, आकर्षक का मतलब होता है जो हमें ध्यान आकर्षित करे। तो मोहनजोदड़ो में सबसे जो आकर्षक जो चीजें मिली है, विशाल स्नानागार मिला है, जो कि कहाँ बना है? दुर्ग के टीले पर बना हुआ है। कहाँ मिला है? दुर्ग के टीले पर बना हुआ है। तो अब यहाँ पे एक चीज और समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए एक मैप देखा गया, मोहनजोदड़ो का एक मैप देखा गया। तो यहाँ पे दो हिस्से बने, एक बना दुर्ग, ये है मैप, और एक बना है ये मैप, और ये एक दूसरे के इर्द गिर्द है, मतलब एक दूसरे के बगल में ही है। लेकिन ये छोटा सा क्यों है और ये बड़ा सा क्यों है? तो जाहिर सी बात है, जो ऐसे लोग जो शासक वर्ग थे, है ना, वो अपने आप को इन लोगों से अलग करने के लिए अपने आप की जो बस्तियां हैं उसको अलग बनाए थे, जिसको क्या कहते थे? सिटाडेल कहते थे, यानी कि दुर्ग कहते थे। तो ये जो थी ऊंचाई पे बनाई गई थी, ये जो थी इन नॉर्मल बस्तियों से अलग बनाई गई थी, ताकि राजा और नॉर्मल व्यक्तियों में पहचान हो पाए। और जो कि ऊंचाई पर बनाई गई थी, इसको चारों साइड से ईंटों से घेर दिया गया था, इसको भी चारों साइड से ईंटों से घेर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे व्यापारी वर्ग, नॉर्मल नॉर्मल जो व्यक्ति होते हैं ना, वो सारे लोग रहते थे, और यहाँ पे शासक वर्ग रहा करते थे। तो जो विशाल स्नानागार मिला है वो यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अभी हमें समझ में आ गया कहाँ मिला है, दुर्ग में मिला है विशाल स्नानागार। आगे, इस स्नान गृह के केंद्र में एक खुला चौकोर तालाब है, जो ऐसा कि आप देख सकते हो तालाब है। इसके चारों ओर छज्जे वाले गलियारे बने हैं। जो छज्जे वाला गलियारा है ये 12 मीटर लंबा है, 12 मीटर ये लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो कितना है, 12 मीटर। और 12 मीटर आपको पता है एक मीटर में कितने फीट होते हैं, 3 फीट 3 इंच होते हैं, है ना, 3 फीट 3 इंच होते हैं। तो इस हिसाब से एक आइडिया लगा सकते हो, 12 × 3 यानी कि 12 × 12 = 36, यानी कि 36 से 40 फीट के आसपास की चीजें हैं, क्योंकि 3 इंच भी तो हमें जोड़ना है। तो 36 से 40 फीट का ये बना हुआ था।
8 मीटर चौड़ा है, चौड़ाई इसकी 8 मीटर है। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए गहराई की, ये कितना गहरा है तो 2.4 मीटर ये गहरा हुआ करता था। आगे यह स्नान गिर पक्की ईंटों का बना हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हो पक्की ईंटें इसमें लगी हुई हैं। आगे नालियों से जुड़ा हुआ था, ये नालियों से भी जुड़ा हुआ था ताकि इसमें पानी को भरा भी जा सके और इसको खाली भी किया जा सके। आगे इसके आसपास कुएं भी बनाए गए थे जिसकी वजह से इसमें पानी को भरा जा सके। आगे स्नान गृह के सीढ़ियां भी बनी हुई थी जो कि ऊंचे मकान स्नान गृह की सीढ़ियां ऊंचे मकान और चलते हुए प्रबंध को देखकर ऐसा लगता है, ऐसा मानो प्रतीत होता है कि ये जो चीजें हैं इस हिसाब से बनाई गई थी ताकि यहाँ पे तैरने की भी सुविधा बन पाए, यानी कि यहाँ पे तैराकी भी हो पाए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और नहीं लिखा हुआ है, यहाँ उत्तर और दक्षिण, ये जो उत्तर हो गया ये दक्षिण हो गया, उत्तर और दक्षिण में जीने बनाए गए, सीढ़ियां बनाई गई ताकि नीचे जाया जा सके। ठीक है, तो ये भी चीज इस पॉइंट में रखिएगा। आगे, इस स्नान गृह का ढांचा इतना सुदृढ़ है, इतना बढ़िया है, इतना मजबूत है कि ये 5000 साल तक कायम रहा, 5000 साल तक कायम रहा। तो इस वजह से हड़प्पा सभ्यता को एक अनूठी विशेषता बताया जाता है, मोहनजोदड़ो को एक बढ़िया सभ्यता बताई जाती है और यहाँ पे इस्तेमाल किए गए सामानों को भी काफी बेहतरीन बताया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला लिखा है कि मोहनजोदड़ो के नालों की विशेषताएं बताइए कि ये जो नाला बना है इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, मोहनजोदड़ो की एक अन्य विशेषता जल निकासी प्रणाली है, यानी कि जो घर का जो गंदा पानी होता है उसको बाहर कैसे निकाला जाए। सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाया जाता था, यानी कि जस्ट बगल बगल में बनाई जाती थी चीजें और आगे जाके एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पहले सड़कों का निर्माण हो गया, मतलब एक तरीके से चाहे गलियों पहले नालियों का निर्माण कर लो या फिर सड़कों का निर्माण कर लो, तो आसपास में दोनों चीजें बनाई जाती थी जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आगे समझते हैं, नालियां मिट्टी के गारे और चूने की बनी होती थी, यानी कि मिट्टी के गारे हो गए, जैसे आज देखो हम सीमेंट का यूज करते हैं, उस टाइम पे मिट्टी का गारा यानी कि मिट्टी का मसाला यूज किया जाता था और चूने का इस्तेमाल किया जाता था। इसको बड़ी ईंटों और पत्थरों से ढका जाता था ताकि वहां पे गंदगी ना फैल पाए। ठीक है, इनको ऊपर उठाकर उन नालियों को सफाई भी की जाती थी। घरों से बाहर छोटी नालियां आगे जाके बड़ी और पक्की नालियों से मिल जाती थी। वर्षा के पानी के निकास के लिए एक बड़ी नाली की गहराई 2.5 से 5 फीट की जाती है ताकि ये गहरा बनाया जा सके, ताकि इसमें अगर एक साथ ज्यादा अगर बारिश हो तो भी इजीली पानी बाहर निकल पाए। ठीक है, इस हिसाब से चीजें बनाई जाती थी। आगे, घरों से गंदे पानी के निकास के लिए सड़कों के दोनों ओर गड्ढे बने हुआ करते थे और साथ ही साथ मोहनजोदड़ो के नगरों की सफाई की व्यवस्था इस सभ्यता की विशेष उपलब्धि मानी जाती है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, जैसे मान लीजिए हमारा घर है और घर से घर के जस्ट बगल में क्या है, ये नाली है, और नाली के जस्ट बगल में अगर मैं बात करूँ तो ये हमारी सड़क हो गई। तो अब घर का वेस्टेज पानी, तो सबसे पहली चीज हमारी जो घर है ना, घर का एक दीवाल कहीं ना कहीं इस नाली से अटैच होना चाहिए, तभी तो घर का पानी निकलेगा। तो पहली चीज तो ये नाली से अटैच होना चाहिए और दूसरी चीज एक हौज बनाया जाता था। हौज समझते हो क्या होता है, एक चेम्बर टाइप में चीजें बनाई जाती थी ताकि, जैसे देखिए ये हो गई नाली और यहाँ पे एक हौज बना दिया गया, मतलब एक गड्ढा कर दिया गया और गड्ढे के बाद फिर नाली बना दी जाती थी। अब क्या होगा, अब यहाँ से पानी गया, जो मलबा होता था, जो कूड़ा होता था, जो करकट होता था, वो इस गड्ढे में फंस जाता था क्योंकि पानी इधर से जाता था, तो इधर इसमें फंस जाता था और जो इसमें से जो पानी निकलता था वो आगे चला जाता था। इससे क्या है कि आप अपनी नालियों की सफाई भी कर सकते थे, तो इस हिसाब से चीजें वहां पे बनाई गई थी जो कि काफी बेहतरीन है। ठीक है, आगे समझते हैं, तो ये तो नगरी सभ्यता आप देख ही सकते हो किस हिसाब से चीजें। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि मोहनजोदड़ो के नगर निर्माण यहाँ पे लगेगा, मोहनजोदड़ो के नगर निर्माण योजना के बारे में लिखिए। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो नगर निर्माण था, एक निचला शहर बनाया गया था, एक दुर्ग बनाया गया था, यहाँ पे अन्य लोग रहा करते थे, यहाँ पे राजा शासक वर्ग ऐसा इत्यादि चीजें लोग रहा करते थे। ये ऊपर बनाया गया था, चबूतरे पे बनाया गया था, ईंटों का खास कर इस्तेमाल हुआ करता था, ऊंचे पर बनाया गया था, ये नीचे बनाया गया था, इसमें भी ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, ये नॉर्मल बस्तियां बनाई गई थी जो कि एक दूसरे से भिन्न थी, इन चीजों की वजह से आप समझिए। अब देखिए यहाँ पे नगर निर्माण योजना, मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, यानी कि सबसे बढ़िया पुरास्थल है, प्रसिद्ध का मतलब है बढ़िया, ठीक है, जो फेमस हो, पुरास्थलों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये शहरी केंद्रों का विकास, यानी कि यहाँ की चीजों को ऐसा देख के लगा कि यहाँ पे विकास काफी अधिक हो रखा है। आगे,
नगर दो भागों में विभाजित था, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था तथा दूसरा नीचे के भूभाग पर बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? दूसरा कहाँ था? नीचे बनाया गया था, जो कि भूभाग पर बनाया गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं भूभाग पे चीजें बनाई गई थी। आगे जो बहुत बड़ा था, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो दुर्ग से तो बड़ा ही है ना, तो ये चीज है। आगे इन्हें पुरातत्वविदों ने क्रमशः दुर्ग और निचला शहर में डिवाइड किया, ऊपर वाले को दुर्ग, निचले वाले को निचला शहर। आगे दुर्ग के ऊंचाई के कारण यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाई गई थी, यानी कि एक तरीके से इसको ऊंचा किया गया था, यहाँ पे कच्ची ईंटों के ऊपर इस चीज को बनाया गया था। आगे दुर्गों को दीवार से घेर दिया गया था, जिसका अर्थ है कि निचले शहर से अलग दिखाई दे, ठीक है। आगे निचला शहर भी दीवारों से घेरा गया था, इसके अतिरिक्त कई सारे भवनों को चबूतरों पर बनाया गया था, जिसकी वजह से वो नींव का काम करे, है ना, एक तरीके से, क्योंकि ये ऊंचाई पर बनाई गई थी चीजें थी, ये जो चीज था ऊंचाई पर बनी हुई थी, तो इसके आसपास थोड़े बहुत भवन बनाए गए थे ताकि यहाँ का जो मिट्टी है जल्दी बहे ना, ठीक है। आगे बताता हूँ, नगर दुर्ग के भीतर अनेक विशाल भवन थे, यानी कि जो नगर दुर्ग के भीतर थे वहां पे विशाल भवन भी पाए गए हैं, जिसमें सार्वजनिक इमारतें भी पाई गई हैं, अनाज रखने के लिए एक भंडार गृह पाया गया है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्रियां पाई गई हैं, कार्यशालाएं पाई गई हैं जहाँ पे काम वगैरह होता था। नगर दुर्ग के भीतर एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार भी मिला है, जैसा कि हमने पीछे बात कर लिया, स्नानागृह मिला है। आगे जो स्थापत्य कला की अद्वितीय उदाहरण है, किसका? स्थापत्य कला, यानी कि एक तरीके से बढ़िया जो कला होती है उस चीज का अद्वितीय उदाहरण है। आगे समझते हैं, यहाँ इस्तेमाल की गई ईंटों को जो कि धूप में सुखाकर भट्टी में पकाकर बनाया गया था, ईंटों की एक निश्चित अनुपात होती थी, क्या होती थी? ईंटों की एक निश्चित अनुपात होती थी, जहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की चार गुना और दो गुनी हुआ करती थी। अब इसको ध्यान से समझिएगा, सबसे पहली चीज इसको सांचे में ढालकर बनाया जाता था, दूसरी चीज इसकी साइज क्या थी, तो इसकी जो लेंथ है ना, यानी कि लंबाई की अगर मैं बात, सॉरी, इसकी जो मैं ऊंचाई की बात करूं, तो ऊंचा जितना ये ऊंचा था उसका चार गुना जो था, उसका चार गुना ये लंबा था और उसका दो गुना ये चौड़ा था। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो इसकी ऊंचाई हो गई 2 इंची, कितनी? 2 इंची, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? इसका चार गुना, यानी कि 8 इंच। अब इसका चौड़ाई कितनी हुई? तो 2 × 2, यानी कि 4। यानी कि देखिए यही लिखा है ना कि ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी थी, यानी कि लंबाई 4 गुनी थी और चौड़ाई 2 गुनी थी। तो अगर मैं बात करूं किसी ईंट की लंबाई, किसी ईंट की ऊंचाई 2 इंची है, तो उसकी लंबाई हो सकती है 8 इंची और उसकी चौड़ाई हो सकती है 4 इंची, तो इस हिसाब से चीजें। दूसरी चीज, सांचे में जब ढाल के बनाया जाता था तो इसको सुखा कर आग में भी पका दिया जाता था, तो इस हिसाब से वहां पे जो घर बनाए जाते थे इस हिसाब से चीजें बनाई जाती थी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चर्चा कीजिए कि पुरातात्विक किस प्रकार अतीत का निर्माण करते हैं, अतीत का मतलब होता है पिछला समय, उसका कैसे निर्माण करते हैं। तो जाहिर सी बात है, या तो हमें क्या मिले, या तो हमें अभिलेख मिले, अभिलेख का मतलब होता है लिखी गई चीजें, या तो हमें ग्रंथ मिले, ठीक है, या तो हमें सिक्के मिले, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मिलनी चाहिए, तभी तो हम अतीत के बारे में पता लगा सकते हैं। तो अभी जो हड़प्पा की सभ्यता में जो मिली है वो चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि हमने पहले ही बात कर लिया, ये सारी वस्तुएं वहां पे मिली है, जिसकी वजह से जो पुरातात्विद है वो एक आइडिया लगाते हैं कि ये जो सामान है किस काम आता होगा और किस हिसाब से वहां पे चीजें होती होंगी। अब जैसे मान लो वहां पे एक मुद्रा मिलेगा, मतलब पैसा मिलेगा, और पैसा सोने का था, किसका था? सोने का था। तो आप आइडिया क्या लगाओगे कि सबसे पहली चीज वहां के सोने के सिक्के का प्रचलन था, दूसरी चीज ये देखेंगे कि ये सोने के सिक्के पर क्या चीजें बनी हुई है। जैसे आज के टाइम पे आप एक का सिक्का लो, पहले के सिक्का पे क्या बना हुआ था? तो पहले के सिक्के पे अनाज के दाने बने हुए होते थे, ठीक है, और आज के सिक्के पे एक अंगूठा छपा हुआ होता है, ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे ही वहां की चीजें भी देखी जाती है कि क्या चीज बना हुआ है, ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो देखिए, चर्चा कीजिए कि पुरातात्विक किस प्रकार से अतीत का पुनर्निर्माण करते हो। देखिये, पुरातात्विक ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ने का कार्य किया है, ठीक है, अलग अलग अंशों को
यानी कि छोटी 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 जो वस्तुएं मिली है, जो अवशेष मिला है, जो साक्ष्य मिले यानी कि सबूत मिला है, उन सभी चीजों को जोड़कर एक इतिहास का निर्माण करते हैं। दूसरा, पुरातत्वविद बाढ़, मिट्टी के कटाव के कारण खेतों की जुताई के समय और खजाने के लिए खुदाई। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं खुदाई के समय, कभी कभी धरती की सतह पर मिलने वाली अपरिचित पुरा वस्तुओं से अतीत का पुनर्निर्माण किया जाता है। अब देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी सभ्यता है जो पहले के टाइम पे बसी हुई है, ठीक है, अब क्या होता है पुरातत्वविद उसको खुदाई करते हैं। खुदाई करने के बाद जाहिर सी बात है अगर वहाँ पे बस्तियाँ होंगी तो संसाधनों का उपभोग तो करेंगे करेंगे, जाहिर सी बात संसाधन तो होंगे होंगे। तो मान लो कि अगर हीरे जवाहरात ये सारा चीज मिल जाए तो जाहिर सी बात है बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो वही चीजें इन सभी चीजों की वजह से भी खुदाई की जाती है, तो वहाँ पे हमें कई सारी ऐसी वस्तुएं मिलती है जो अपरिचित होती हैं। अपरिचित का मतलब क्या होता है कि जो हमें पता ही नहीं होता, जो हमें ही नहीं पता होता कि वो चीजें क्या है। तो वैसी वस्तुएं मिलती हैं और उन चीजों को देखकर फिर आइडिया लगाते हैं, अच्छा ये इस इस्तेमाल में आती होगी तो चलो जी ठीक है, इस इस्तेमाल में आती होगी तो हम ये मान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में इन चीजों का इस्तेमाल होता था। तो ये चीजें हैं, आगे समझते हैं। तीसरा, अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण करके। अभिलेख वो चीजें होती हैं जैसे कोई मजबूत सतह होती है, मजबूत सतहों पर लिखी गई लेख यानी कि कुछ भी चीजें लिखी गई हो उसी को अभिलेख कहा जाता है। तो मजबूत सतह पर लिखी गई लेख को अभिलेख कहते हैं। तो ये लिखा है अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन, कोई भी चीज लिखी हुई हो उसका अनुवाद किया जाता है। उत्खनन के समय ऐसी वस्तुओं को खोजने का प्रयास किया जाता है और उस पर विचार करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि उसकी महत्व क्या है, उसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अतीत का निर्माण किया जाता है। आगे, पुरातत्वविद किसी पुरा वस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से करते हैं जिसमें वह मिली थी, और क्या वे घर में मिली थी या फिर कब्रों में या फिर मिट्टी में। सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि कोई भी वस्तु जो मिली है वो कहाँ मिली है, घर में मिली है या कोई भी कार्यशाला में मिली है या फिर कोई भी कब्र में मिली है या फिर कहाँ मिली है, उन चीजों से आइडिया लगाते हैं। अब जैसे मान लो आप ये समझते हो कि एक फैक्ट्री है, कौन सी फैक्ट्री है, जैसे मान लो एक साइकिल की फैक्ट्री है, तो जाहिर सी बात वहाँ पे साइकिल ज्यादा मिलेंगे। तो अच्छा, एक घर है वहाँ पे सिर्फ एक साइकिल मिली, क्या मिली, एक साइकिल मिलेगी। एक घर है जहाँ पे 100 साइकिल मिली, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि एक घर में साइकिल मिली और एक घर में सौ साइकिल मिली। तो इन दोनों से आप आइडिया ये लगा सकते हो कि हो ना हो ये साइकिल की क्या होगी, या तो दुकान होगी तभी तो 100 साइकिल है, अब यहाँ पे 100 लोग तो होंगे नहीं जो 100 साइकिल चलाएंगे, तो हो ना हो ये क्या होगी, साइकिल की दुकान ही होगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एक आइडिया लगा जाता है कि अच्छा एक साइकिल मिली है तो हो ना हो कोई ऐसा व्यक्ति तो जरूर होगा जो साइकिल चलाता होगा। यहाँ ये तो नहीं बोल सकते ना कि साइकिल का निर्माण होता होगा या फिर शॉप था, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे एक ही मिली है और आपको पता है शॉप में एक चीज तो मिलती नहीं है, बहुत सारी चीजें मिलेगी, तो इसी हिसाब से आप आइडिया लगा देंगे, ठीक है। आगे, कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्य का सहारा लिया जाता है। अप्रत्यक्ष साक्ष्य जिसका साक्ष्य हो ही ना, मतलब एक तरीके से गेस किया जाता है भाई ये सामान है तो ये काम आता होगा, ये सामान है ये काम आता होगा। आगे, उदाहरण के लिए कुछ हड़प्पा स्थल में कपास के साक्ष्य मिले हैं, पर पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों में चित्रण पर निर्भर होना पड़ता है। मतलब क्या है, कपास के साक्ष्य मिले हैं, कपास का साक्ष्य मिला है, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा प्रूफ नहीं मिला है जो कि पहनावे से हमें नहीं पता लगेगा। लेकिन हमें पहनावे से नहीं पता लगेगा, लेकिन किस चीज से पता लगेगा, वहां पे कोई व्यक्ति तो है नहीं जो जिंदा रहेगा, तो हमें पता है कि वहां पे जो मूर्तियां बनाई गई होंगी हो ना हो वो मूर्ति बनाई गई होगी जो जिसमें जो कपड़ा पहने होंगे वो कपास का ही पहने होंगे। तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि भाई वो जो जगह थी वहां पे ये मूर्ति मिली है, तो हो ना हो वहां के जो लोग हैं उन चीजों का इस्तेमाल करते होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। ये आपके बुक का, आपके इस चैप्टर का लास्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब देख लेते जल्दी से, तो देखते हैं हड़प्पा समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्य, मतलब क्या, आप ध्यान से सुनिएगा। हड़प्पा साम्राज्य में क्या शासक थे, पहले ये दिक्कत वाली बात है। दूसरी चीज, संभावित कार्य का मतलब होता है कि उन्होंने कौन कौन से कार्य किए होंगे। तो सबसे पहले हमें ये आइडिया लगाना है कि वहां पे शासक थे कि नहीं थे, फिर हम ये आइडिया लगाएंगे कि क्या क्या कार्य किए होंगे, ठीक है।
हमें शासकों के बारे में कैसे पता लग सकता है? तो पहली बात, तो या तो कोई मूर्ति मिली हो जिसकी वजह से हमें शासक के बारे में पता लगा जा सकता है। दूसरी चीज, उनका महल मिला हो, महल तो महल में ही तो राजा रहते हैं, तो दूसरी चीज वो मिली होगी, तब हमें आइडिया लगाया जा सकता है। तीसरी चीज, कोई ऐसी चीज जो अभिलेख होता है, जैसे राजा का कोई नियम हो भाई सबको फॉलो करना पड़ेगा, या वो ऐसी चीजें हो, ठीक है, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं। तो क्या ऐसी चीजें वहां पे मिली है? तो इन सभी चीजों के बारे में हम पता करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कोई मूर्ति। तो मूर्ति को अगर हम ध्यान से देखें, तो ये देखिए पीछे हम देखते हैं, तो एक मूर्ति तो मिली है, मूर्ति तो मिली है राजा की। तो चलो हम बोल देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में राजा थे, लेकिन राजा तो मिल गए, लेकिन कोई ऐसा महल भी तो मिलना चाहिए जहाँ पे राजा रहते हो। क्या नॉर्मल घर में राजा रहते हैं क्या? नहीं ना। तो हमें वहां पे कोई महल नहीं मिला है, मूर्ति तो मिल गई लेकिन महल नहीं मिला है। तो आप बता सकते हो क्या कि वहां पे राजा थे? नहीं ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। तो अच्छा, अब हम कुछ और सबूत के बारे में चलते हैं, ढूंढते हैं कुछ और सबूत क्या मिलेंगे। जैसे पहला, सत्ता के केंद्र तथा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण में हमें त्वरित उत्तर नहीं मिलता है। कोई त्वरित उत्तर का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता है जिसकी वजह से हम सीधा कह दें कि हाँ भाई वहां पे राजा थे, कोई ऐसा उत्तर हमें नहीं मिलता है। आगे, पुरातात्विदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी है, और इससे संबंध कोई भव्य वस्तु नहीं मिली है। मतलब एक मकान मिली है लेकिन उसमें कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली है। जाहिर सी बात है, अगर राजा रह रहा होगा तो अच्छी अच्छी वस्तुओं का उपयोग करता होगा ना। तो महल मतलब मूर्ति भी मिल गई है और एक घर भी मिला है, लेकिन घर के साथ साथ उसमें जो कीमती वस्तुएं थी, वो भव्य वस्तुएं थी, वो हमें देखने को नहीं मिली है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, लेकिन फिर भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ भाई वहां पे राजा रहे होंगे। अब दूसरा बात करते हैं, एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसको पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। देखिए ये पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, लेकिन अच्छा, और यह नाम आज भी प्रचलित है, और ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातात्विक मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहां के पुरोहित राजाओं से परिचित थे, और यही समानता उन्होंने सिंधु नदी में भी मतलब सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी थी। अच्छा, वहां पे एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिली थी, कहाँ पे? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में एक राजा की मूर्ति तो मिली थी, लेकिन 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 कोई ऐसी भव्य वस्तुएं नहीं मिली थी, कोई ऐसी मतलब कोई ऐसा महल नहीं मिला था जिसकी वजह से हम एक आइडिया लगा पाए। अच्छा, लेकिन फिर भी हम इनको राजा क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेसोपोटामिया में सेम ऐसी ही कुछ मूर्तियां मिली थी जो कि वहां की राजा की मूर्ति थी। तो ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया में भी ऐसी मूर्ति मिली हुई है जो कि राजा की थी, तो हो ना हो हड़प्पा में भी ऐसी मूर्ति मिली है, तो हो सकता है कि ये भी राजा की ही हो। ठीक है, आगे समझते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे। कुछ विद्वान कहते हैं कि हड़प्पा में कोई कोई शासक नहीं थे, कोई राजा वाजा नहीं थे, तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी, यानी कि जितने भी सारे लोग थे सब समान रूप से रहा करते थे। लेकिन दूसरे पुरातात्विद यह मानते हैं कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि कई शासक थे। कुछ ये कहते हैं जी यहाँ पे एक नहीं बहुत शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि में अलग अलग राजा थे। जैसे मोहनजोदड़ो में अलग राजा थे, हड़प्पा में अलग राजा थे। आगे, कुछ पुरातात्विद यह तर्क देते हैं कि यह एक यहाँ एक ही राज्य था, जैसा कि पूरा वस्तु में समानता, नियोजित वस्तुओं के साक्ष्य और ईंटों के आकार की निश्चित अनुपात तथा वस्तुओं के कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित होने से स्पष्ट होता है। अच्छा, कुछ पुरातात्विद यह तर्क देते हैं कि हो ना हो ये एक ही राज्य था, और एक ही राज्य था हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे समानताएं हमें देखने को मिल रही है। किन चीजों में समानताएं देखने को मिल रही है? पूरा वस्तुओं में। किन चीजों में समानताएं देखने को मिल रही है? नियोजित वस्तुओं में, ईंटों में समानताएं देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा कच्ची वस्तुओं में भी हमें समानताएं, कच्ची जो बस्ती थी वहां पे भी हमें समानता देखने को मिल रही है, और जाहिर सी बात है जो कच्चे माल वगैरह के जो फैक्ट्रियां थी वो भी आसपास में थी। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हो ना हो एक ही राज्य था, और यहाँ पे मतलब सारे लोग बराबर थे, ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं। आगे समझते हैं, अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्त संगत प्रतीत होती है। परिकल्पना क्यों लिखा है? क्योंकि एक तरीके से कल्पना के अनुसार बनाई जाती है, बताई गई है। आप एक इमेजिन ही तो कर रहे हो, आपको कोई सटीक आंसर तो मिल नहीं रहा है, इमेजिन ही तो कर रहे हो। तो
यही लिखा है कि अब जो अंतिम एग्जाम्पल बताई जा रही है, इससे हमें ये पता लगता है, सबसे बढ़िया उदाहरण एक तरीके से, तो अब देखते हैं। क्योंकि यह संभव नहीं लगता है कि पूरे पूरे समुदाय द्वारा इलाके ऐसे जटिल निर्णय लिए तथा क्रियान्वित किए जाते होंगे। अब ध्यान से देखिए, इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। क्योंकि यह संभव नहीं लगता है कि पूरे के पूरे समुदायों द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल और निर्णय लिए गए तथा क्रियान्वित किए जाते होंगे। अच्छा, लास्ट वाले पॉइंट का मतलब यह है कि ऐसा माना जाता है कि जो पूरा का पूरा समुदाय है, पूरा का पूरा समुदाय है जो कि कितना बड़ा है, काफी विस्तृत है, काफी विस्तृत है। जैसा कि आपने हड़प्पा में भी पढ़ा, हड़प्पा के इमेज में भी आपने देखा कि हड़प्पा पाकिस्तान में यहाँ पे है तो मोहनजोदड़ो उसके नीचे है, तो ये विस्तृत क्षेत्र है ना। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि अनेक राजा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जटिल फैसला लेने और उसे क्रियान्वित करना, क्रियान्वित का मतलब होता है कि उसको काम में लाना, एक होता है जी ऑर्डर कर देना। अब राजा ने क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया, अब उसको लागू भी तो करना है। तो अगर बड़ा साम्राज्य होगा तो क्या उसको जल्दी लागू कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पे कई सारे शासक रहे होंगे और अपने अपने क्षेत्र में क्या करते होंगे, ऑर्डर देते होंगे, और ऑर्डर देने के बाद उसे क्रियान्वित भी करवा देते होंगे, क्योंकि छोटे जगहों पे एक्शन बहुत जल्दी लिया जाता है। तो इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता में जो शासक थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने पढ़ लिया। अब किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और इस वीडियो में इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने आपको करवा दिया है। बाकी विकास स्टडी पॉइंट के ऐप से जुड़िए, विकास स्टडी पॉइंट का ऐप डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, जाके देखिए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया गया है, और वहां पे आपको सारा चीज मिलेगा, टेस्ट सीरीज सारा चीज, ठीक है। वहां पे क्या क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो नोट्स मिलेगा, साथ ही साथ डाउट क्लासेस मिलेंगे, सारा चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस हिसाब से सारी चीजें हैं। आई होप सो आपको मजा आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।